नाउ डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है? हमको पता है कि चार्ज जो है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दिस इज चार्ज आर इनडिस्ट्रक्टिव एंड करंट इज सिंपली चार्ज इन मोशन। सो द टोटल करंट फ्लोइंग आउट सम वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज विद इन द वॉल्यूम। इट इज बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज कभी खत्म नहीं हो सकता ना ही बनता है अलग से। द चार्ज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी में, बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं। दिस कॉन्सेप्ट जो है इज एसेशनल इन अंडरस्टैंडिंग वाई करंट फ्लो इन द लीड्स टू ए कैपेसिटर ड्यूरिंग द चार्ज आर डिस्चार्ज व्हेन नो करंट फ्लो बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। तो ये कॉन्सेप्ट हमको समझने में बड़ा आसानी होगा कि करंट जो फ्लो होता है उसमें चार्जिंग करने या डिस्चार्ज होता है जब बैटरी का, जबकि उसमें करंट फ्लो दोनों प्लेटों के बीच नहीं हो रही जब भी होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ही हमने माना है कि द एक्सप्लेनेशन इज सिंपली दैट द करंट फ्लो इज अकम्पेयर्ड बाय द चार्ज बिल्डअप ऑन द प्लेट, वो प्लेट पे ही बिल्डअप होते हैं। तो इसके लिए मान लो सपोज हमने कंसिडर किया, लेट अस कंसिडर एनी रीजन ऑफ वॉल्यूम वी। तो वॉल्यूम हम मानते हैं किसी भी चीज का वी है, वो एक बाउंडेड, दिस इज वॉल्यूम वी बाउंडेड हो गया, बाउंडेड बाय सरफेस, सरफेस एस के द्वारा बाउंड है कोई भी एरिया। तो करंट जो फ्लो होगा थ्रू द क्लोज सरफेस, जितने एरिया में बाउंड है सरफेस उसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या होता है, dQ upon dt इज इक्वल टू आई होता है करंट। तो वो कितना होता है सरफेस के लिए, तो सरफेस इंटीग्रल जे इज द करंट डेंसिटी इंटू ds, इतने में वो क्लोज सरफेस में बह रहा है, ये हमारे इक्वेशन कह रही है। लेकिन ये जो नेट है आउटवर्ड फोकलैंड थ्रू द गिवन रीजन ऑफ वॉल्यूम, इस टोटल जो करंट फ्लो हो रहा है टोटल वॉल्यूम में से, ये कितना होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू द रेट एट विच चार्ज फ्लो आउट, उससे बाहर निकलने वाले रेट के बराबर होना चाहिए जितना। तो दैट इज फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो दिस करंट फ्लो थ्रू ए रीजन मस्ट बी बैलेंस बाय द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द रीजन। जितना डिक्रीज यानी कि चार्ज होने में लग रहा है उतना डिक्रीज होने में भी लग रहा है, दोनों बैलेंस हो जाना चाहिए। तो दोनों बैलेंस होने का मतलब क्या है, करंट यदि कितना होना चाहिए, आई बराबर क्या होता है सरफेस इंटीग्रल जो ले रहे हैं जे इंटू डी एस, ये कितने बराबर होना चाहिए, माइनस जो डिस्चार्ज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है डी क्यू, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी के बराबर होना चाहिए। तो माइनस कितने के बराबर, ये वॉल्यूम इंटीग्रल डेल रो अपॉन डेल टी इंटू डी वी, ये इतने के बराबर होता है वो। दिस इज द करंट आई इनक्लोज इज गिवन बाय सरफेस इंटीग्रल जे इंटू डी एस के बराबर होता है, ये जे इंटू डी एस होता है डी क्यू अपॉन डी टी माइनस डी बाई डी टी, और क्यू की वैल्यू हमने ऊपर से लिख सीखा, क्यू की वैल्यू होती है आपकी रो इंटू डी वी होती है, तो उसको डी बाई डी टी से हम कर देंगे, इतना हो जाएगा, क्लियर है। तो सिंस यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, यानी कि जो क्यू है वो कितना होता है, क्यू इंटू डी बी इतना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल जे इंटू डी एस ऊपर इक्वेशन से देख रहे हैं, प्लस माइनस है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल डेल रो अपॉन डेल टी इंटू डी वी इज इक्वल टू जीरो। तो बट फॉर डाइवर्जेंस थ्योरम के अनुसार इसको हम चेंज करें, डाइवर्जेंस थ्योरम डेल सरफेस इंटीग्रल जे इंटू डी एस बराबर कितना होता है, वो होता है वॉल्यूम इंटीग्रल डी डेल डॉट जे इज इक्वल टू डी वी इतना होता है। सो देयरफॉर वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट जे प्लस डेल पी अपॉन डेल टी इंटू डी वी इज इक्वल टू जीरो, ऐसी को लिख देते हैं डेल डॉट जे प्लस डेल पी अपॉन डेल टी,
ये इक्वेशन सिंपल सा, वो जीरो के बराबर होता है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दैट एक्सप्रेसिंग द फैक्ट दैट की इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। स्टैटिक फील्ड में भी बात करेंगे हम इसी चीज की, हम यदि इसको स्टैटिक फील्ड की बात करें, स्टैटिक फील्ड में क्या होता है, डेल रो अपॉन डेल टी जीरो हो जाता है। इसका मतलब डेल डॉट जे ये जीरो हो जाता है, यानी कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर स्टैटिक फील्ड के लिए। ठीक है, दिस इज द सिंपल डेरिवेशन फॉर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।